वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। अभी मैं हूँ ऑफिशियली अपने थर्ड स्टेट यानी तमिलनाडु में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज वापस से एक और वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विशाखापट्टनम जंक्शन से। हाँ जी, जो लोग मेरे पिछले कुछ वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं कुछ दिनों से विशाखापट्टनम में था, लेकिन आज मेरा ट्रेन है जो कि है 22801 MGS चेन्नई सेंट्रल वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हाँ जी, इतना बड़ा नाम है ट्रेन का। वैसे अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मेरा जो ट्रेन है वो शाम के 7 बजे है। मेरे पास अभी भी 1.5 घंटे का टाइम है। मैं वेट कर रहा था, सोचा वीडियो को स्टार्ट ही कर लेते। वैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने पिछले वाले वीडियो को एंड किया और अभी इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे जो लोग मेरे पिछले वाले वीडियो को देखा है उन लोगों को पता होगा मैंने अपना बैग जो है वो क्लॉक रूम में रख दिया है, स्टेशन के क्लॉक रूम में। उसे मैं अभी रिसीव नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। बाकी हाँ, मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ चेन्नई, लेकिन चेन्नई मेरा फाइनल स्टॉप नहीं है। वहाँ से मुझे दूसरे किसी और ट्रेन को बोर्ड करना पड़ेगा, वहाँ से मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं सब कुछ मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि मेरा जो वीडियोस वगैरह है वो थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन मैं लाइव अपडेट्स वगैरह सब इंस्टाग्राम में दे देता हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तो अभी टाइम हो चुका है 6:30 और मेरा जो ट्रेन है वो दे दिया है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर। विशाखापट्टनम स्टेशन के 8 नंबर प्लेटफॉर्म से मेरा जो ट्रेन है यानी 22081 चेन्नई सुपर फास्ट एक्सप्रेस वो निकलने वाला है। तो अभी मैं क्लॉक रूम के सामने ही खड़ा हूँ, तो यहाँ से अपने बैग को रिसीव करते हैं, रिसीव करके भागते 8 नंबर प्लेटफॉर्म की। फाइनली क्लॉक रूम से अपने बैग को लेने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ अपना खाना लेने के लिए, क्योंकि मेरा जो ट्रेन है वो पूरे रात भर का है और ये मुझे डिनर पहले से लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का खाना मुझे ऐसे ही अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर से अगर मैं कुछ बाहर से ऑर्डर करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा IRCTC के ऐप से आप लोग बाहर से भी खाना मंगवा सकते हो, लेकिन उसका भी एक मिनिमम लिमिट होता है। और मैं हूँ बजट ट्रिप पर, तो ऐसे आज का मेरा एक्सपेंस बहुत ही हाई हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा बजट में कुछ देख रहा हूँ। बाकी आगे जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, जो भी मिलेगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा फिर। वैसे मैं अभी आ चुका हूँ IRCTC का जन आहार में। वैसे मैंने एक बिरयानी ले लिया है जो 80 रुपीज़ है और पार्सल के लिए 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया है, तो मैं उसे पार्सल करवा ले रहा हूँ रात के डिनर के लिए। बाकी IRCTC जन आहार से मैंने अपना डिनर ले लिया है जो कि ये है। तो जब मैं डिनर करूंगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा क्या क्या मैंने लिया है। बाकी अभी 8 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मेरा ट्रेन खड़ा है। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर और ये सामने ही मेरा ट्रेन खड़ा है जो कि है 22801 चेन्नई सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसका मैंने स्लीपर में टिकट बुक किया है, तो फटाफट मेरे कोच के अंदर जाते हैं और सीट वगैरह ढूंढते हैं पहले, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कि अगर मैं अपनी कोच की बात करूं तो मेरा जो कोच है वो S5 है। मैंने स्लीपर में टिकट बुक किया है और ये 16 नंबर बर्थ मेरा है जो कि अपर बर्थ है, मेरे लिए अच्छा है। बस एक ही दिक्कत है कि ऊपर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, चार्जिंग पॉइंट नीचे इधर रखा है। वैसे इस ट्रेन का विशाखापट्टनम से निकलने का जो टाइम है वो है शाम के 7 बजे और अभी का टाइम हो रहा है 6:50, तो बस 10 मिनट बाद ही ये ट्रेन निकलने वाला है। बाकी देखते हैं ये अपने टाइम पर निकलता है कि नहीं। बाकी इस ट्रेन का जो सोर्स स्टेशन है वो विशाखापट्टनम है और इसका फाइनल डेस्टिनेशन चेन्नई है। मतलब ये पूरे ट्रेन के जर्नी में मैं इस ट्रेन में ही रहने वाला हूँ। तो अभी जस्ट ट्रेन स्टेशन पे लगा है, तो मैं आप लोगों को बाथरूम वगैरह दिखा देता हूँ, इसका टॉयलेट वगैरह कैसा है। पहले आपको गेट से एंटर करते ही यहाँ पे मिल जाएगा एक वॉश बेसिन और उसके साथ एक मिरर, और इस साइड में जाइएगा तो कुछ इंडियन स्टाइल टॉयलेट है जो कि कुछ इस तरीके का है। बाकी ये कोच जो है वो ICF कोच है जो कि पुराना वाला कोच है, इसलिए टॉयलेट वगैरह सब ऐसा है। मुझे इस टाइप का ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इस रूट में इसी टाइप का ट्रेन ज्यादातर चलता है। वैसे इस ट्रेन का विशाखापट्टनम से निकलने का जो टाइम था वो था 7 बजे, अभी टाइम 7:05 हो गया है और अभी तक ये ट्रेन निकला नहीं है स्टेशन से। देखते हैं कितने बजे निकलता है ये ट्रेन अल्टीमेटली। वैसे अभी टाइम हो रहा है 7:06 और इस ट्रेन का जो निकलने का टाइम था वो था 7 बजे का, तो ट्रेन 6 मिनट लेट विशाखापट्टनम से निकला है। बाकी मेरा ट्रेन जो है वो स्टेशन से तो पूरा पूरी निकल चुका है और ये ट्रेन जो है ये रात का ट्रेन है, तो बाहर तो पूरा डार्क है, मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी ट्रेन का अंदर जो भी होता है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, एंड जब भी कोई प्लेटफॉर्म या फिर हॉल्ट वगैरह आता है तब मैं वो अपडेट्स वगैरह आपको देता हूँ। वैसे इस ट्रेन का मेटीरियल वगैरह तो इतना कुछ खास है नहीं। बाकी यहाँ पे एक हैंगर दिया हुआ है मेरे बर्थ पर और नीचे एक बैग टंगा हुआ है, मैं उस साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मिरर है और उसके नीचे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड दिया हुआ है, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी स्लीपर कोच जैसा होता है वैसा ही है। बाकी अभी टाइम हो रहा है 7:19 और ट्रेन निकले हुए 13 मिनट हो चुका है,
और बाहर का कुछ ये नज़ारा है, पूरा डार्क है बाहर, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। बाकी अगर मैं ट्रेन की फेयर की बात करूँ तो इस ट्रेन का जो फेयर था स्लीपर क्लास के लिए वो था 475, लेकिन मैंने पे किया है 555, क्योंकि मैंने इस ट्रेन को तत्काल में बुक किया है, क्योंकि मुझे पहले तो टिकट नहीं मिल रहा था और तत्काल में मैंने ट्राई किया तो टिकट मिल गया था, क्योंकि मुझे चेन्नई जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसका तत्काल वाला टिकट ले लिया है जो कि 555 मुझे पड़ा है। बाकी इस ट्रेन का अगर स्टॉप की मैं बात करूँ तो इस ट्रेन का विशाखापट्टनम से निकलने का जो टाइम था वो था 7 बजे का, लेकिन ये 6 मिनट लेट निकला है उधर से। और इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो 7:33 में आएगा दुबड़ा, 7:47 में आएगा अंकापल्ले, 8:34 में आएगा अन्नावरम, 8:55 में आएगा समलकोट, 9:43 में आएगा राजा हमरी, और भी बहुत सारा स्टॉप है इसका। बाकी ये कल चेन्नई पहुँचेगा 7:50 में, इसका टाइम है सुबह का, तो ऑलमोस्ट 13 आवर्स का ये जर्नी होने वाला है। बाहर का तो नज़ारा कुछ अब नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा डार्क के बाहर। वैसे इस ट्रेन का जो फास्ट स्टॉप था वो था दुबड़ा स्टेशन, पहुँचने का इसका टाइम था 7:33, लेकिन वहाँ पे ये 2 मिनट लेट 7:35 में ये दुबड़ा स्टेशन पहुँचा है। और देखते ही देखते ये ट्रेन जो है दुबड़ा स्टेशन से निकल चुका है। बाकी इस ट्रेन का जो सेकंड स्टॉप है वो अभी आ चुका है। वैसे यहाँ पे पहुँचने का इसका जो टाइम था वो 7:47 का था, जो कि था अनागापल्ले स्टेशन, वो अभी पहुँच चुका है, लेकिन ये पहुँचा है 7:50 में, तो 3 मिनट लेट अभी फिर से हो गया है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो आएगा 8:30 बजे। इससे अभी टाइम हो रहा है 9:05, और अभी मेरा जो ट्रेन है ये पहुँचा है अपने थर्ड स्टॉप यानी अन्नावरम स्टेशन। यहाँ पे पहुँचाने का इसका जो टाइम था वो 8:35 का था, 8:34 का, और अभी ये 9:05 में यहाँ पे एंटर किया है, तो ट्रेन हो चुका है ऑलमोस्ट 30 मिनट लेट। ट्रेन 9 बज चुका है, तो मुझे घर पे भी फ़ोन करना है, क्योंकि तो घर पे फ़ोन करके अपडेट देना ज़रूरी रहता है, रोज़ रात में इसी टाइम में मैं फ़ोन करता है, तो घर में फ़ोन वगैरह करते हैं। ट्रेन जो है वो थर्ड स्टॉप से निकल चुका है और अभी टाइम तो हो गया है करीब 9:30 बज रहा है, तो मैं सोचा कि अपना डिनर वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या मैंने लिया है। तो मैंने IRCTC का जो चन्नाहार है वहाँ से बिरयानी ले लिया है मैंने, बॉक्स को ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी तो कुछ ये है, ये एक बिरयानी मैंने लिया है IRCTC से चन्नाहार, और उसके साथ ये एक रायता भी मिला है, और ये दो टिशू भी दिए है इसके साथ, बस यही है। बाकी मैं टेस्ट करके आप लोगों को बता दूंगा कैसा टेस्ट है इसका, तो अभी से टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसे खाने में तो ये बिल्कुल भी बिरयानी जैसा नहीं है, लग रहा है कि कोई पुलाव दे दिया है। ये खाना ठंडा भी हो चुका है क्योंकि मैं करीब 7:45 से लिया था और अभी 9:30 बज रहा है। कि इसके अंदर आप लोगों को 2 पीस अंडा मिल जाएगा और थोड़ा सा ग्रेवी मिलता है उसके साथ। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं वो IRCTC का जनहार का जो बिरयानी लेके आया था वो मैं खा रहा था, मैं बिल्कुल भी खा नहीं पाया, मतलब थोड़ा सा खाने के बाद ही मेरा गला जलने लगा, इतना ज़्यादा खाना फालतू मेरा पैसा पूरा वेस्ट हो गया। मुझे लगा पहले से मैं खा लूँगा लेकिन मैं बिल्कुल भी खा नहीं पाया। अभी अभी नेक्स्ट स्टेशन जब आया था तब कुछ स्टेशन से खा लूँगा मैं। बाकी इस ट्रेन में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इस ट्रेन में कहीं पे भी कोई डस्टबिन नहीं है। इसे LHB कोच में इस एरिया पे डस्टबिन वगैरह होता है, लेकिन ये ICF कोच है और देख के जो लग रहा है ये बहुत ही पुराना कोच है, तो इस पे कोई डस्टबिन वगैरह तो मुझे दिख नहीं रहा है। ट्रेन थोड़ा सा लेट चल रहा है लेकिन अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रहा है ट्रेन। अगर ऐसा ही स्पीड मेंटेन करके चला ये तो चेन्नई ये बिफोर टाइमिंग पहुँचा देगा, बाकी पता नहीं रास्ते में ये कहीं पर लेट भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं। वैसे अभी कोच में सभी लोग कर रहे हैं डिनर और एक एक करके लाइट्स ऑफ होना भी स्टार्ट हो गया है, तो सभी अभी सोने चले जाएंगे, तो मैं भी सोच रहा हूँ अभी सोने चला जाऊँगा, क्योंकि बाहर तो है अंधेरा, कुछ आप लोगों को मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेशन में उतरता हूँ तब मैं दिखाऊंगा, नहीं तो मैं सोने चला जाऊंगा, एक ही बार आप लोगों से सुबह मिलेंगे। फाइनली ये ट्रेन जो है 1 घंटा लेट पहुंच चुका है राजामुंद्री स्टेशन। यहाँ पे पहुंचाने का इसका जो टाइम था वो था 9:43 का और ये 1 घंटे लेट यहाँ पे पहुंचा है। कि हाँ आप लोग देख सकते हो कोच में सभी लोग सो गए हैं, तो मैं और बाहर जाकर आप लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दिखा रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 3:35 और अभी मेरा जो ट्रेन है पहुँचा है ओनगोल स्टेशन। तो यहाँ पे पहुँचने का इसका जो टाइम था वो 2:38 का था, ट्रेन अभी भी ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है। कि अपने डेस्टिनेशन पर कितने बजे पहुँचता है वो तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगा, वैसे अभी मेरा नींद खुला था तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया। Hey, very good morning from Chennai. मैं अभी पहुंच चुका हूँ MGR चेन्नई सेंट्रल और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8:00। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पहुंचाने का जो टाइम था वो 7:50 का था,
लेकिन 10 मिनट लेट ये चेन्नई स्टेशन पहुंचा है। कि अभी मैं हूँ ऑफिशियली अपने थर्ड स्टेट यानी तमिलनाडु में। एग्जैक्टली मैं बंगाल से निकलने के बाद ये मेरा थर्ड स्टेट है। पहले मैं उड़ीसा गया, फिर आंध्र प्रदेश और अभी तमिलनाडु। तो यहाँ पे भी मेरा आज का स्टे नहीं है, यहाँ से मैं दूसरे कहीं पे निकल जाऊँगा। लेकिन आज दिन भर का मेरे पास टाइम है तो यहाँ आसपास मैं एक्सप्लोर करूँगा। बाकी अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो ICF कोच था मेरा, LHP कोच नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ हो चुका है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ट्रेन बहुत ही क्लीन था और बिल्कुल भी दिक्कत वगैरह हुआ नहीं मेरा। फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ चेन्नई स्टेशन से बाहर। बाकी मेरा यहाँ से आज रात में ये कनेक्टिंग ट्रेन है, लेकिन वो चेन्नई सेंट्रल से नहीं, चेन्नई एग्मोर स्टेशन से। अभी उसके लिए बहुत टाइम है क्योंकि वो है शाम के 6 बजे करीब और अभी तो सिर्फ 8:30 बज रहा है। तो अभी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो अभी इधर आसपास में देखते हैं, 2-3 मंदिर और एक बीच भी है पास में, तो उधर ही जाऊँगा मैं। हाँ जी, तो अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था यहाँ पे बैठ, मैंने देखा कि इस वीडियो का एंडिंग ही मैंने शूट नहीं किया था। तो भाई अभी मैं हूँ केरला में, केरला के LFP में हूँ। वैसे ट्रैवल करते करते मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ केरला में। इन सब ब्लॉग्स को आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो जो कि टाइम बाय टाइम आता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो था अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो यूनिक जर्नी मैंने स्टार्ट किया है आप भी इस जर्नी का पार्ट बन जाना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।